अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सिद्रा कासिम और आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सीरम शेयर करने जा रही हूं। स्किन ग्लोइंग सीरम है ये। अच्छा, ये इसकी सीरम जो है ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट सीरम है ये। इससे स्किन पे आपके ग्लो आएगा, इसके अलावा एक्ने को रिमूव करेगा, आपके स्किन पे जो पिंपल्स के निशान हैं ये रिमूव करेगा और रिंकल्स रिमूव करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताती चलूँ इसमें मैं सबसे पहले क्या ऐड करूँगी। एलोवेरा जेल इसमें शामिल करूँगी। ये मैं ले लूँगी हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल तो आपको पता है वैसे ही स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, स्किन को फ्रेश करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और अगर आप खाली भी एलोवेरा जेल लगाएंगे तो बहुत ही आपकी स्किन को ये एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा ग्लोई करता है। इसके अलावा मैंने ग्लैसलीन यूज़ करूँगी इसमें। ग्लैसलीन बहुत ही अच्छी है, विंटर में तो बहुत ज़बरदस्त होती है। विंटर में ये जो है मॉइस्चराइज करती है हमारी स्किन को। इसके अलावा रोगने कद्दू पम्पकिन ऑयल, पम्पकिन ऑयल ये आपको ये सारे पंसारी की दुकान से ऑयल मिल जाएंगे आपको। ये पम्पकिन ऑयल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किन को फेस को करता है, एक्ने को रिमूव करने में बहुत अच्छा है। ये स्किन टोन को, ख़ास तौर पर स्किन टोन को जो है ये इम्प्रूव करता है आपका, इससे आपका कलर भी फेयर होगा। इसके अलावा रोगने बादाम एलमंड ऑयल ये यूज़ करूँगी मैं। अच्छा, एलमंड ऑयल जो है ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है ड्राई स्किन वालों के लिए। लेकिन ऐसे हम ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले से थोड़े कम मिकदार में ही यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल भी है। इसे यूज़ करने से ही हमारा जो सीरम जो हम तैयार करेंगे ये काफ़ी अरसे तक चल जाएगा। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये एक्ने रिमूव करता है, पिंपल्स को कम करता है। अगर आपके स्किन पे कोई पिंपल निकल आया तो एक ड्रॉप आप ये टी ट्री ऑयल का पिंपल्स पे लगा लेंगे तो जल्दी से जो है पिंपल रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और निशान भी उसका गायब हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम रोज़मेरी ऑयल यूज़ करेंगे। रोज़मेरी ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम रोज़ ऑयल यूज़ करेंगे। रोज़ ऑयल जो है ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। इसमें विटामिन ए होते हैं, ये चेहरे से जो निशानात होते हैं ये सारे रिमूव करते हैं, रिंकल्स रिमूव करता है, रेड लाइंस वगैरह ये सब कुछ रिमूव करेगा। अब हम सीरम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एलोवेरा जेल बाउल में शामिल करेंगे। लिया है 2.5 ml ले लिया है, या आप टीस्पून के हिसाब से 1 teaspoon ले लिया हमने, या हाफ़ टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, इसके बाद हमने ग्लैसलीन ले लेनी है 1 tablespoon। ये देखिएगा ग्लैसलीन हमने शामिल कर दी इसमें 1 tablespoon। अच्छा जी, अब हमने ले लिया है पम्पकिन ऑयल, ये हम 1 tablespoon इसमें ऐड करेंगे। पम्पकिन ऑयल 1 tablespoon हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी रोज़ ऑयल भी हमने 1 tablespoon ऐड करना है। जी जनाब, ये रोज़ ऑयल की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी है। ये मैंने 1 tablespoon इसमें रोज़ ऑयल डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें एलमंड ऑयल डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम, ये तकरीबन 1/2 teaspoon एलमंड ऑयल में। देखिएगा बिल्कुल इतना सा, ज़रा सा हमने एलमंड ऑयल शामिल कर देना है, ऐड कर देना इसमें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टी ट्री ऑयल, ये भी मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी 1/2 teaspoon। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी रोज़मेरी ऑयल हमने इसमें तकरीबन 1/2 tablespoon। अच्छा, टी ट्री ऑयल ऑप्शनल है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक्ने वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, तो एक्ने वाले जो हैं इसे लाजमी यूज़ करें। अच्छा, इसके कुछ चंद ड्रॉप ही हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, 4-5 drops हमने शामिल कर देने इसके। अब जनाब, मैंने इसमें रोज़मेरी ऑयल शामिल किया है 1/2 tablespoon। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं शामिल इसमें, ग्लैसलीन ये सब कुछ ग्लैसलीन शामिल किया मैंने इसमें, एलोवेरा जेल और ऑयल जितने भी ऑयल थे सारे मैंने जो आपको बताए हैं
अच्छा, ये सारे ऑयल जो है ना आराम से ईजिली आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सीरम बनेगा ये, आपको बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आएगा ये सीरम, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें वही ऑयल शामिल है जो इन दोनों स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप इसे प्राइमर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप से पहले जो है ना, आप इसे 10 मिनट पहले 2-3 ड्रॉप्स इसके प्राइमर के तौर पे यूज़ करें, और इसको इस तरह से देखें, इसके क्रीमी सा बन गया है वो मिक्सचर, इसका बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन गया ये। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये सीरम है, आप इसे अगर रात में लगा के सोएंगे ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे क्या करूँगी, बोतल में शामिल कर दूँगी। एक बोतल में इस तरह की हम बोतल ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे सारा सीरम हम। मैं आपको सीरम डाल के ना फिर आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये देखें हमारा सीरम रेडी है, ज़बरदस्त सा। जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना, इस तरह से आपने शेक कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने अभी अपने हाथ में अप्लाई किया है, ये देखिएगा ना, अच्छा सा ग्लो आ गया स्किन में ना, शाइनिंग से आ गए। अच्छा जी, तो एक और बात इस सीरम की ये कि आप इसे 1 मंथ में ही यूज़ कर लें, इसलिए ये देखें इसकी थोड़ी सी मकदार ही बनी है ये सीरम की, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। 2 वीक ही चलता है वैसे मेरा तो, लेकिन आप इसे जो है इतना ही यूज़ करें, 1 मंथ के अंदर अंदर इसे यूज़ कर लें, क्योंकि ये सारे ऑयल्स का मिक्सचर होता है तो ये जल्दी से जो होता है ये ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए जो है हम इसे 1 मंथ के अंदर ही यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से नया सीरम बना के अप्लाई करेंगे। अगर आपको मेरा स्किन सीरम पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अप्लाई करें फेस पे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।